इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सैंड इज़ पोरिंग फ्रॉम अ पाइप। तो हम लोगों ने ये सपोज़ ये जो यूज़ किया है, ये पाइप यूज़ किया है। चलिए पाइप का नाम हम दे देते हैं पी है, ठीक है। तो पी हमारी पाइप है और उसे सैंड जो आ रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ रही है, मतलब जो वॉल्यूम है वो हर सेकेंड इंक्रीज़ कर रहा है 12 सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है, जो इस नीचे कोन का वॉल्यूम है। तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी टाइम पे हम कहते हैं कि सैंड की वॉल्यूम V है, अगर किसी भी टाइम सैंड की वॉल्यूम V है और उसमें चेंज आया है dt टाइम में अगर चेंज dV का आया है, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है पाइप से, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। तो हर सेकेंड में जो वॉल्यूम आपका यहाँ पे पोर हो रहा है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब है। से दैट इज़ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड दैट इज़ द माई फर्स्ट रिलेशन। नाउ अनदर इन्फॉर्मेशन इज़ गिवेन एज ए, जो हमारा रेडियस रहता है, रेडियस या हाइट जो रहती है, हाइट हमेशा रेडियस की 1/6 रहती है, दैट इज़ 1/6 ऑफ द रेडियस। कोन इस तरह से ग्रो अप कर रहा है। अब हमें निकालना क्या है, मतलब ये सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमारे लिए हो गई कि h इक्वल्स टू 1/6 ऑफ r, दैट इज़ द माई सेकेंड इन्फॉर्मेशन। और रिक्वायर्ड क्या है, क्या निकालना है इनसे, हमें बताना है कि हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजेस, मतलब जो h किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, मतलब जो dh/dt है, दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, है ना, ये बताना है कि ये कितना होगा। और कब किस इंस्टेंट पे बताना है, एट h इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर में बताना है। तो अब हमें क्या रिलेशन देखना पड़ेगा कि h और r में रिलेशन क्या है। तो हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है v, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। और हमें वॉल्यूम को रिलेट करना है और हाइट को, तो आर को एलिमिनेट कर देते हैं और उसके लिए हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन से हम लोग आर को 6h लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 πe6h का होल स्क्वायर इंटू एच। ये आप जब सॉल्व करोगे तो यू गेट 12 πh³। तो दैट इज अ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज नाउ फंक्शन ऑफ h। इसका मतलब अगर हम लोग ग्राफ देख, अगर इसका हम एक रफली ग्राफ खींचे, वॉल्यूम वर्सेस हाइट, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर रहा है और क्यूब के प्रोपोर्शनल है, मतलब इस तरह से इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है कि रेट बताना है उसका किसी टाइम t पे। अगर इंस्टेंटेनियस रेट हम निकालना चाहते हैं तो हम क्या करें, से दैट इज माई थर्ड रिलेशन, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा आपका, dv/dt दैट इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ 12 πh³। 12 पाई तो कांस्टेंट है आपका, तो 12 पाई आप बाहर कर लोगे, दैट इज d/dt ऑफ h³। अब ये h³ को डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये तो h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, लेकिन यहाँ पे तो टाइम है, तो हमें यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, d/dh ऑफ h³ और dh/dt। तो जो ये डिफरेंशिएशन है सिंपल x की पावर n, एन एक्स एन माइनस वन हो जाएगा, तो दैट कम्स आउट टू बी 12 πh एंड दैट इज 3h² एंड dh/dt। dh/dt हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो dh/dt को हम लोग क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो dh/dt हो गया आपका, dh/dt दैट कम्स आउट टू बी 1/36 πh² dv/dt। और हमें h भी पता है
और डीवी बाई डी टी भी पता है इक्वेशन वन से, ठीक है, और एच हमें पता है कि ये आपका फोर है। तो यहाँ प्लेस कर देते हैं 1/36 पाई 4 का स्क्वायर, और डीवी बाई डी टी आपका कितना है, डीवी बाई डी टी आपका 12 है। तो ये 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36, तो ये 1/4 4 जा 16 3 जा 48 पाई, ठीक है। और यूनिट तो सब सेंटीमीटर में थी, एच एच किस में है आपका, एच की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर, और टी की यूनिट हो जाएगी सेकेंड। तो डी एच की भी यूनिट आपकी सेंटीमीटर होगी और डी टी की भी यूनिट सेकेंड होगी जो टी की है। तो ये आ गया आपका 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से आपकी हाइट ग्रो करेगी।